बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम बना रहे हैं चीज़ टोमाटो सैंडविच। बहुत ही क्विक सैंडविच है, टोस्टी है ये बेसिकली। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें इसके स्लाइसेस में हम बटर लगा देंगे। इसमें बटर लगा लेंगे अच्छी तरह दोनों स्लाइसेस पे। ये मैंने जो है टोमेटो सॉस, केचप जो है और चिली गार्लिक सॉस दोनों मिक्स कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बेसिकली मिक्स करने का मकसद ये था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। इसको लगा लेंगे स्लाइस पे, दोनों स्लाइसेस पे जो दूसरी साइड के हैं। ये हमने इस तरह लगा लिया इन दोनों स्लाइसेस पे, इन दोनों पे बटर है। ये टमाटो स्लाइस कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, एक पिंच के बराबर, एक पिंच सॉल्ट। पिंच जो है एक पिंच क्रश रेड चिलीज डालेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो मत डालिए। चेडर स्लाइस रखेंगे, ये चीज स्लाइसेस लेंगे, बर्गर के जो चीज स्लाइस होते हैं। बेसिकली कलर खूबसूरत देना है इसका। इसको हाफ हाफ करके लगा लेते हैं ताकि पूरे सैंडविच में प्रॉपरली नजर आए। मेरा जो बटर है वो सॉल्टेड है, तो इसलिए मैंने कोई सॉल्ट वगैरह ऊपर से नहीं डाला है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं अनसॉल्टेड है या लाइटली सॉल्टेड है, सॉल्ट अपने हिसाब से। इसको क्लोज करेंगे। आपके पास ग्रेटेड चीज़ है, आप ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कि हम लोग पूरा इस तरह ऊपर बटर लगा लेंगे अच्छी तरह कॉर्नर्स वगैरह पे, दोनों साइड पे। मैंने इस तरह करके लगा लिया, रख के ग्रिल में रख के, ताकि अच्छा कलर आए इसमें इक्वली जो हमें चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है, आप कितना पसंद करते हैं। अगर आते और ऑयल लगाना चाहते हैं अप टू यू, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब ये हमने एक पैन में डाल दिया, इस पर भी हम दूसरी साइड पर अच्छी तरह लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल, हाफ टी स्पून से भी कम इसमें लगाएंगे, ताकि वो बटर हमारा मेल्ट जले नहीं। इसको मैंने फ्राई पैन में डाल के रखी है। आपके पास ग्रिल पैन है, फ्राई पैन है, जो भी है उसमें आप इसको इस तरह टोस्ट कर लेंगे। एक हमने ग्रिल में रखी है, इसको क्लोज करेंगे। ये हम खोल के चेक करेंगे, थोड़ा सा और करूँगी ताकि चीज़ और मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी मेल्टेड चीज़ इसमें अच्छी लगती है। ये हमारा पैन में है, मीडियम हीट पे हमने रखा हुआ है इसको, दरमियानी आंच जो होती है, ताकि इसकी चीज़ भी मेल्ट हो जाए। इसकी हमने साइड चेंज कर दी है, तो बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया, तो बहुत अच्छी तरह से किया।
कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेल्टेड चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको ये लगता है तो आप एक कोई लिड ले लें इस तरह, जिसमें छेद होना चाहिए ताकि एयर बाहर आए, वरना वो टोस्टी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप रखेंगे तो आपकी चीज़ मेल्ट होने लगेगी। अब हम इसको देखेंगे, चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई है और कलर भी अच्छा आ गया। थोड़ा सा हम इसको, ये रेडी है टोस्टी की निशानी है, ये देखिए इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए टोस्टी में, ये सोगी नहीं होना चाहिए। ये हमने ये ग्रिल में था, ये हमारा उसका था, ये भी देख लीजिए चीज़ भी इसकी मेल्ट हो गई है। तो मैं एक काट के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा चीज़ एंड टमाटो सैंडविच जो है ये रेडी है, इसको आप जिस तरह शेप में भी काट लें इस तरह, ये मेल्ट भी हो गया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं, अब आपकी मर्जी है जिस तरह चाहें, ये रेडी है। इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं, सर्दियों में खाएं, गर्मियों में खाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।